कारोबार को आसान कर पारंपरिक उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक जिला एक उत्पाद योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राजस्थान के सभी 33 जिलों के करीब 41 उत्पादों को चिन्हित किया गया है। इसमें ब्लू पॉटरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, वुडन हैंडीक्राफ्ट, मार्बल प्रोडक्ट जैसे उत्पाद शामिल हैं। आज यहाँ एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप किया गया मीडिया के लिए, फूड के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस तरह की करीबन पूरे देश भर में वाणिज्य मंत्रालय पीआईबी के साथ मिलकर 35 वर्कशॉप्स कर रहा है मीडिया के लिए। आज ये तीसरी नंबर की थी, इससे पहले लखनऊ और देहरादून में हो चुकी है। मकसद यही है कि इसके बारे में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो इनिशिएटिव है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे अखबारों और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। और जैसा कि बताया गया है कि राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से 41 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। कुछ प्रोडक्ट्स प्राइमरी हैं और कुछ प्रोडक्ट्स सेकेंडरी हैं, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके इन प्रोडक्ट्स को कैसे आगे ले जाए और कैसे इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं या जो प्रॉब्लम्स इनके मैन्युफैक्चरर्स को आ रही है उसको ईज आउट करें उनको, और इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले ताकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्तर तक पहुँच सकें। हिस्ट्री हमारी 300-400 साल पुरानी है, पर अब जाके हमें वो स्तर मिल रहा है कि दुनिया में हमारे जयपुर ब्लू पॉटरी का नाम हो रहा है। इससे फायदे बहुत अनेक हैं कि इतने सारे क्राफ्टमैन को रोटी रोजी का साधन होगा, और ये ज़्यादातर क्राफ्टमैन जो गाँव में हैं, जो अपनी खेती भी करते हैं और गांव में इस काम को भी करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में दो ही बार खेती होती है। तो मेरा मेन उद्देश्य भी यही था कि गांव में इस कला को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए और वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा बने। और जहां तक मैं सोचती हूं कि अगर हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेंगे तो गाँव वाले भी क्या करेंगे, 9 से 5 की नौकरी करेंगे। हम वो नहीं चाहते हैं कि कॉन्क्रीट जंगल बने, हम चाहते हैं कि गांव-गांव में हस्तकला पनपे जो हमारी धरोहर है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, जहां पे 765 जिलों से 1072 प्रोडक्ट्स हैं, और हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट है। कुछ प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी हैं, इसलिए नंबर ज़्यादा है। तो हर एक लोकल प्रोडक्ट को वोकल, उसके के लिए कैसा, उसके लिए इनिशिएटिव क्या हो सकते हैं और उसको ग्लोबल कैसे बनाया जाए, उसके लिए 4 फॉर्मेट में काम हो रहा है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स हैं, इंटरनेशनल एंगेजमेंट है, अवेयरनेस, ब्रांडिंग, स्टोरी टेलिंग और पैकेजिंग सॉल्यूशंस के साथ इस पर काम किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश की क्वालिटी विश्व भर में स्थापित हो जाए, तो भारतीय मानक ब्यूरो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी होने के नाते ऐसे मानक प्रोवाइड करता है जिसमें कोई भी छोटा मैन्युफैक्चरर भी अपनी क्वालिटी को विश्व भर में स्टैब्लिश कर सकता है अगर वो हमारा लाइसेंसिंग ले लेगा। तो इसीलिए कई तरह के हम लोग स्कीम्स चलाते हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि एमएसएमई होते हुए भी क्या वो उस पर्टिकुलर क्वालिटी को पाएगा, तो उसको पूरा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो कई तरह के अनुदान हैं, कई तरह की क्लस्टर लैब्स की फैसिलिटीज उनको दी जाती है कि छोटा मैन्युफैक्चरर और बड़ा मैन्युफैक्चरर हर तरह से समान आ जाए अगर उसकी क्वालिटी सेम।